ओके फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन नई मूवी इन्फ्लुएंसर एंड यू आर द क्रश ऑफ द वर्ल्ड द पीपल हैव सीन यू. वो कैमरा जब गया एंड उसके बाद से तो इंस्टाग्राम पे तो काफी फोटोज आए. इंस्टाग्राम से बात करें यू बोथ इन्फ्लुएंस सो मच टू द पीपल एंड नई मूवी आ रही है काफी अच्छा ट्रेलर टीजर को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इवन फॉर द सॉन्ग ऑल्सो काफी अच्छा रिस्पॉन्स. क्या कहना है किस तरह की फीलिंग है? फील्स वेरी अनरियल के जो सपने देखे थे 8 साल 9 साल का स्ट्रगल इतनी मेहनत के बाद इसी दिन के लिए सपने देखे थे कि एक दिन हमारी फिल्म आएगी और इट्स हैपनिंग. इससे पहले मैंने फिल्म की है बट सेकेंड लीड अजय सर का बेटा बना था. कुछ फिल्में शूट की वो आई नहीं. इट्स इश्क पश्मीना इज रिलीजिंग इट्स रिलीजिंग इट्स हैपनिंग सो इट्स इट फील्स लाइक अ ड्रीम That is coming true. And I feel blessed and grateful. आप क्या कहना चाहोगे? किस तरह के response आपको social media में काफी सारे posters आपने लोगों ने upload किया, आपने काफी posters upload किए. किस तरह के response आपके fans के through से आए? How they are reacting on your posters? To be honest, I think लोग मुझे मेरे काम के लिए कम जानते हैं. मैं जब viral हुई थी उसमें IPL में, तो वहाँ से I have a good fan following. Viral हुई थी? मुझे भी नहीं पता. तुमने पता नहीं आई गॉट वायरल बिकॉज ऑफ दैट. क्या है क्या वायरल? फर्स्ट कैमरा द टिल्ड कैमरा वेंट. हां पता है सीएसके केकेआर का मैच चल रहा था. मेरा भाई फर्स्ट टाइम खेल रहा था तो लोगों को पता नहीं था मैं उसकी बहन हूँ. और मैं चेन्नई गई थी एक एड के शूट के लिए. तो मैंने कहा मैं तेरा मैच देखने आऊँगी एड खत्म करके. तो आई रिक्वेस्टेड माई डायरेक्टर 7 बजे खत्म कर दो मैच शुरू होने वाला है. फिर मैं भाग भाग के हील्स में भाग भाग के तैयार थी एड के लिए. फिर मैं पहुंची मैच आई थिंक शुरू हो गया था आधा घंटा निकल गया था. फिर ये लास्ट का ओवर था जब कोई भी जीत सकता था क्रूशियल नहीं ओवर होता. और समहाउ कैमरामैन को मैं दिखी और उसने ऐसे डाला. तो चेन्नई तो ने क्या किया? कुछ नहीं किया. मैं तो मैच देख रही थी. फिर वो जूम करता गया पूरे ओवर में ही रीज स्टिल हियर. सो एंड सीएसके वन. फिर लोगों को ये कौन है लड़की कौन है. उसके बाद दे गॉट टू नो कि दीपक की बहन हूँ. फिर हर मैच में जब भी जाती थी दे शिफ्टेड टू पुणे. तो पुणे बॉम्बे के पास पड़ता है तो आई चेन्नई जीत जाती थी. मेरे सारे मैचों से चेन्नई जीती है. सो आई गॉट दैट लकी गर्ल फॉर चेन्नई. एंड उसके बाद एक बार और हुई थी वायरल. तो किसी ने शॉट मारा था तो उसने क्या है मैं बता ना रिएक्शन. तो मैं ऐसे बोलती थी क्या शॉट मारा है. एंड वो पार्ले जी गर्ल वाला वायरल हो गया. इस तरह के वायरल वीडियोस को लाइक आपकी बात करें देयर आर सो मेनी वीडियोस सॉन्ग्स की बात करें कितने सारे. पर कमिंग बैक टू द मूवी टाइटल काफी अच्छा लग रहा है. कुछ बता दीजिए टाइटल के पीछे कुछ रीजन है. देयर इज एनी पर्टिकुलर रीजन? इश्क तो हमारा जो जिसे प्यार को कहते हैं जिसे एहसास को कहते हैं. और पश्मीना है प्योर. तो कश्मीर का प्योर जो शॉल होता है. तो हम बस इस फिल्म के जरिए एक प्योर लव दिखाना चाहते हैं लोगों को. बॉलीवुड ने बहुत टाइप की लव स्टोरीज देखी है. इंटेंस देखी हैं. कॉलेज लव देखा है लोगों ने. लव आफ्टर मैरिज देखा है लोगों ने. बहुत साइकोटिक लव देखा है लोगों ने. लेकिन एक हम एक ऐसा प्योर लव दर्शाने वाले हैं लोगों को. ऐसे टाइप की स्टोरी देखी नहीं गई है. ये उस जमाने की फिल्म है जब रेडियो और अखबार होते थे टीवी और फोन नहीं होते थे. तो हमने वो ज़माना दिखाया है. तो आप जब टीजर देखोगे ट्रेलर कल आएगा तो आप तब देखोगे. और गाने जब देखोगे तो हमारा आउटफिट भी वैसे ही है थोड़ा पुराने ज़माने का है. गाने भी उस जमाने के हैं. सो हमारी फिल्म में 5 गाने हैं. हमने उस टाइप आपको देखा हमने साड़ी में. क्या उस सारी वादी में लाइक काफी ठंडा मौसम था किस तरह से किस तरह से इसने तो भी जैकेट पहना हुआ. मैंने प्रोड्यूसर का जैकेट पहना था. जैकेट के अंदर थर्मल्स पहने हुए हैं. उसके अंदर भी डाल रखा था इसने. तो मैं तो साड़ी में शूट किया. सो किसी ने मुझे कहा था कि जब तक बॉलीवुड में साड़ी पहन के बर्फ में डांस नहीं किया तो आप बॉलीवुड की हीरोइन नहीं बने. तो जब ये गाने शूट करने से पहले किसी ने मुझे बताया था तो मुझे गर्मी कम लगी थी. सो आप क्या कहना चाहोगे अबाउट द शूटिंग? हमने देखा काफी डिफरेंट लोकेशन. वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट द लोकेशन? यार हमने जन्नत में शूट किया आप कह सकते हो. यार इंडिया इज वेरी रिच विद इट्स नेचर. और शिमला इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जो बहुत ब्यूटीफुल है.
और आई फील लकी कि हमें वहाँ पे कितना 30 दिन थे हम वहाँ पे हम जब गए और जब आए पूरा शिमला वाइट था, वाइट पूरा शिमला वाइट था। हमने हमने कहीं भी ग्रीनरी भी देखी, पूरा वाइट था। इतनी बर्फ देखी, इतनी बर्फ देखी, इतना स्नोफॉल देखा कि मैं बर्फ से पक गया था। इतना देख लिया हमने, इतना मैंने पकी थी मतलब जहां देख रहा हूँ मैं, खिड़की खोल रहा हूँ मेरी बर्फ गिर रही है, अपने होटल रूम से बाहर निकल रहा हूँ बर्फ गिर रही है, शूट पे बर्फ गिर रही है, हर जगह बर्फ ही गिर रही है। इतनी इतनी उस दिन उस टाइम पे स्नोफॉल हुई, सबसे ज्यादा स्नोफॉल हुआ इस बार शिमला में। मेरे लिए तो ये शूट थेरेप्यूटिक था, मतलब मैं सो रही हूँ तो बर्फ गिर रही है, उठ रही हूँ तो इट वाज ब्यूटीफुल, सो मुझे तो बड़ा मजा आया। मालती, व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम दीपक अबाउट अबाउट द फिल्म, व्हेन यू टोल्ड हिम अबाउट द फिल्म, व्हाट वाज द रिस्पांस फ्रॉम दीपक चार एंड आउचर? स्टोरी तो मैंने मैंने भी उसको भी नहीं बताई स्टोरी के, नहीं बताई, आई लाइक टू देख क्या उनको यू हैव टोल्ड के यू फोकस ऑन वर्ल्ड कप एशिया कप एंड देन आई विल लेट यू नो अबाउट द स्टोरी। इससे पहले की थी मैंने, तो उसका स्टोरी मैंने बताया तो नो दे लूज लाइक माई फादर एंड माई ब्रदर दे लूज देयर एक्साइटमेंट की क्या होने वाला है, दे नो द स्टोरी, सो आई लाइक बताने का फायदा तो है नहीं, लाइक कुछ आउटपुट तो मिलने वाला है नहीं, तो लेट देम वॉच एंड नो क्या रिस्पॉन्स थे कुछ उन्होंने बताया कि लाइक यू हैव टू डू लाइक दिस यू आर टर्निंग एन एक्टर, तो उन लोग के क्या रिस्पॉन्स थे? तो पापा से कि आई थिंक 6-7 साल बाद हमें मौका मिल रहा है कुछ करने का तेरे लिए, नो आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रमोशंस टू पापा, अब लाइक डोंट वरी वी विल डू एवरीथिंग, अब कुछ नहीं कर पाए तो फिर कब करेंगे, हमें 7 साल के बाद मौका मिला है, सो दे आर वेरी सपोर्टिव एंड जो भी है ही दे सपोर्ट मी, सो आई डोंट नो व्हाट हाउ टू से कि रिस्पॉन्स क्या, ही इज वेरी हैप्पी, माई फादर इज वेरी हैप्पी, फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी, सो या। एंड भावन, आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो जानना चाहूंगा विशाल का रिस्पांस कैसा था, बिकॉज वी ऑल नो द थ्री ऑफ यू, आप तीनों हमेशा सुख में दुख में आप साथ हो। विशाल तो विशाल से विशाल दोनों बहुत खुश थे, वो लोग तो शूट पे भी आना चाहते थे मेरे, और वो तो खैर वो किसी और काम में बिजी हो गए तो शूट पे नहीं आ पाए, तो दे आर वेरी हैप्पी एंड जैसे ही अभी हमारा ट्रेलर वेलर आएगा बहुत जोर शोर में प्रमोशन शुरू होने वाले, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि यार जो जितने भी इन्फ्लुएंसर जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उनको एंड गोल तो फिल्मों में ही आना है ना, और मैंने कर पाया तो दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, दिस क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू, व्हाट आर द मोस्ट पॉजिटिव थिंग दैट यू सी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, लाइक पीपल लव यू, हर कोई इन्फ्लुएंस होता है, अगर आपकी बातों से लोग सुनना चाहते हैं और आपकी बातों से लोग बदलते हैं तो आप इतने सारे डांस मूव्स हैं, अरे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए डांस रील भी बनना जरूरी नहीं है, आई थॉट यू हैव टू अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस, देन यू आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी भी हो तो भी आप एक इन्फ्लुएंसर हो। रणवीर सिंह भी एक इन्फ्लुएंसर है, उसको देख के लोग सीख रहे, तो अमित जी भी इन्फ्लुएंसर है, उनको देख के एक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे, हर एक हर कोई इन्फ्लुएंसर है। If some people are following you, you've got so much of number of people following you, people are following you, तो किस तरह से positiveness देखते हो, role मिल जाता है, recognition मिलते है, तो उसकी कुछ आप journey के बारे में would you like to say something? Yeah, जब मैं viral हुई थी तो उससे पहले I think मेरे Instagram पे कुछ ऐसे 3-4 हज़ार followers थे, because Instagram थोड़ा late आया था Miss India के बाद, तो मैंने account late बनाया था, तो उसके बाद जब वायरल हुई तो लाइक इतने सारे मैसेजेस, इतने सारी चीज़ें, एंड सम पीपल राइट नॉनसेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट गुड अबाउट यू, सो दैट जर्नी यू नो कि लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एंड सडनली यू आर नोन एवरीवेयर, सो या इट्स डिफरेंट फीलिंग एंड देन यू गेट यूज टू इट आफ्टर लाइक सम पॉइंट ऑफ टाइम, बट आई फील ब्लेस्ड यू नो, लाइक इट्स नॉट ईजी टू गेट पीपल सपोर्ट, इट्स नॉट ईजी वेन पीपल लाइक यू, लाइक सो मेनी पीपल ट्राई सो मच सो मेनी थिंग्स कि लोग उनको पसंद करें, you know they get fame and when you get it, I didn't do anything to get it, मतलब जैसे मैंने कोई काम नहीं किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे भाई का मैच देखने गई थी मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला था, एंड देट वॉज सडन, एंड उसके बाद जो मीम मैंने वो भी बहुत सडन थे, तो आई वॉज सो हैप्पी अबाउट इट, लाइक यू डिड नथिंग फॉर इट एंड यू गॉट इट।
एंड भाविन आप क्या कहना चाहोगे, व्हाट इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग एंड व्हाट इज द मोस्ट नेगेटिव थिंग बीइंग एन इन्फ्लुएंसर? सब पहले तो नेगेटिव बताऊंगा। यस, मुझे लोग इतनी बार फ्री में देख चुके हैं मेरे छोटे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ, इतना फ्री में देख चुके हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि पैसे भी देना चाहेंगे मेरे लिए। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ये मेरे साथ नहीं है। हाँ, कुछ मैंने इतना डाला नहीं है। yes. लोग मेरे को जानते नहीं एक्चुअली, पता है, दे डोंट नो मी एट ऑल। मतलब मैं मोस्टली वीडियो डालती हूँ छोटे। हाँ, तुम्हारा तो प्रॉब्लम ही नहीं है कि जैसे मुझे देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे देखा है लोगों ने, तो मुझे पता है कि लोगों ने अब तक तो फ्री में देखा है, क्या पैसे देंगे मेरे। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी है कि जो मैंने फैन बेस बिल्ड किया है वो तो देखेंगे, इतना मुझे पता है। कोई देखे ना देखे, ये कुछ 8-10 हज़ार लोग हैं जो मेरे कट्टर फैंस हैं, ये तो देखेंगे। एंड नाउ अभी जो इन्फ्लुएंसर की बात बोलूँ तो फैजू की बात करना लाजमी है। फैजू नाउ ही इज डूइंग रियलिटी शो, लगातार रियलिटी शो खतरों को झलक। आपने कभी प्लान किया रियलिटी शो? आप दोनों से जानना चाहोगे पहले, आपसे रियलिटी शो मेरा आ रहा है सोशल करेंसी नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। हाँ। इसी साल आएगा, काफी चर्चा है उसके बारे में। हाँ, सोशल करेंसी तो अब देखते हैं। आपने अपने इंटरव्यूज में भी काफी बार बताया कि इट्स अ डिफरेंट रियलिटी शो। हाँ, तो उसके बाद व्हाट अबाउट द बिग बॉस एंड अबाउट अभी तो वो कोई रियलिटी कॉल फ्रॉम द बिग बॉस? हाँ हाँ, इसी साल आया था। व्हाट अबाउट यू, हैव यू एवर गॉट कॉल फ्रॉम द बिग बॉस? After Miss India, I got first Spiritzvilla, Big Boss, and I got the Roadies. Not Roadies. Spiritzvilla के लिए तो कल ही मैसेज वापस बुला रहे। But I don't want to do reality. तो मैं कर लूँगा। Is there any particular reason behind it? No, I just मैं टीवी देखती भी नहीं हूँ और मुझे इतना शौक भी नहीं है। काम के लिए अच्छा है, but I want to make films and act into films. But मुझे टीवी का नहीं है इतना। बट हमने आपको देखा है, आप काफी अच्छे डांसर हो, तो कोई ऐसा रियलिटी शो लाइक झलक इज देयर, देयर आर सो मेनी, अगर इफ यू वांट टू पिक। आई थिंक आई हैव लिमिटेड एनर्जी एंड आई वुड लाइक टू पुट दैट इनटू फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग। एंड व्हाट अबाउट द ट्रेलर, कब ट्रेलर आने वाला है? कल आने वाला है, तो उसके लिए कितनी एक्साइटमेंट है? बहुत, अब तक तो लोगों ने बहुत छोटी छोटी चीजें देखी है, मोशन पोस्टर देखा, 30 सेकंड का टीजर देखा, उस पर क्या ही समझ आएगा लोगों को। अब दिमाग चलेगा, जब ट्रेलर देखे ना तो अब दिमाग दौड़ेंगे कि अच्छा ऐसा है इस फिल्म में, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा है, अरे नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा है, क्लियर कुछ भी नहीं है ट्रेलर के बाद। कितनी सारी शायरी है टीजर में, तो एक शायरी हमने देखी नहीं, नहीं फिल्म में तो बहुत सारी है। इट्स अ आप फिल्म को एक पोइट्री कह सकते हो, मैं तो ऐसा कहूंगा। इट्स अ पोइट्री, द एंटायर फिल्म इज पोइट्री, शायरी और पोएम्स। अ स्मॉल मैसेज टू ऑल द ऑडियंस, बस ये कहूंगा कि हमने बहुत मेहनत की है, हम दोनों ही नए लोग हैं और ना हमारा शूट किया है, बहुत ही सुंदर काम किया है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबने बहुत मेहनत की है, हर एक क्रू मेंबर, स्पॉट द्वारा से लेकर लाइट द्वारा से, हमने इतनी ठंड में और कैसे शूट किया हम ही जानते हैं। और सच में हमारा सब, मैं सभी जानते हो आप लोग, हमारा कोई बॉलीवुड से कोई कनेक्ट नहीं, हमारा कोई सपोर्टर नहीं, किसी के बड़े आदमी का हाथ नहीं है हम पे, हम आप ही जैसे सपोर्टर तो है, बड़े आदमी का हाथ नहीं है, सारे फैन सपोर्टर हैं। अरे हाँ हाँ वैसा, लेकिन जो है आप ही लोगों, और आप ही लोग हमारी नैया पार करा सकते हो, तो बस ये कहूँगा कि हमारी फिल्म देखो और लोगों को बताओ कि हमने कैसा सिनेमा बनाया है, अगर आपको पसंद आए तो बार बार देखो, सबको दिखाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।